नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप ज्योतिष दिशा स्पेशल। आपके साथ में हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। बहुत दिनों के बाद आज जो जानकारी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत विलक्षण जानकारी है, वो अपने आप में ही बहुत अद्भुत जानकारी है। और इस जानकारी का जो मूल सिद्धांत है वो आप सबके जीवन की शुभता है। आप सबका जीवन कितना शुभ रहेगा यह इस कार्यक्रम में हम बताएंगे। आज की जानकारी खास तौर पर कुछ विनोदप्रिय जानकारी है। विनोदप्रिय मतलब हंसाने वाली। आज हम आप लोगों के लिए जो जानकारी देंगे उसमें बताएंगे कि क्या लक्षण होते हैं जो कोई पुरुष, ध्यान दीजिएगा, जो कोई पति, पति कौन बनता है, पुरुष ही बनता है, जो कोई पति पूरी तरह से अपनी पत्नी के कब्जे में होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जोरू का गुलाम कहते हैं, पत्नी के कब्जे में। पत्नी ने कहा नहीं, मतलब पति ने कहा जी भाग्यवान, आप जैसा आपका आदेश। कुंडली का वो कौन सा ग्रह है जो पुरुष को ऐसे बांध लेता है, आपके आसपास घर परिवार नातेदार रिश्तेदार में 4-6 केसेस ऐसे जरूर मिल जाएंगे जहां पर पुरुष अपनी धर्म पत्नी के वश में है। प्रथम दृष्टया यह एक शुभ संकेत है, खास तौर पर व्यक्तिगत तौर पर दाम्पत्य जीवन के सुगमता से चलने का। यह एक शुभ है, यह एक सद लक्षण है, यह एक सकारात्मक लक्षण है, मानता हूं मैं। परंतु जब यह एक्सेस हो जाए और कंप्लीटली एक तरफा हो जाए तो यह अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिश्ते तो और भी होते हैं। अब अचानक से मैडम जी ने कहा खबरदार, अगर आपने अपनी बहन से बात किया, नहीं जाना है राखी में, क्या जरूरत राखी में जाने की, कौन सा जो है तुम्हारी बहन रोज रोज आती है, उसने कब आया, वो कब आई, उसको भी तो मतलब। एक बात मैं बताता हूं यहां पर, क्योंकि बात रिश्तों की चल निकली है तो एक बात जाननी यहां अनिवार्य है कि रिश्तों में कभी दिमाग नहीं लगाते। जब रिश्तों में दिमाग लगने लगता है, सोच लगने लगता है, हम सोचने लग जाते हैं रिश्तों के विषय में, जब दिमाग लगाते हैं तो रिश्ते नहीं चलते, बिखर जाते हैं और फिर ऐसे रिश्ते नासूर बन जाते हैं, दुख देने लग जाते हैं, दुख देने लगते हैं। तो अब बहन से रिश्ता तोड़ दिया, भाई के लिए अचानक से मना कर दिया, कई बार हमने माता पिता से भी मना करते हुए देखा है कि पत्नी कहती कि नहीं बात करनी मम्मी से, नहीं बात करनी पापा से, मतलब रिश्ते में दिमाग। तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि मम्मी पापा ने क्या गलतियां किया है या बहनों ने क्या गलतियां किया है, भाई भाइयों ने क्या गलती की, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मूल आज जो हमारा विषय है वो है पत्नी की ही वाली चलने देना। इसका एक पक्ष हमने बताया कि ये सकारात्मक है, लेकिन एक ही जगह है सकारात्मक। अब वो आप तय कर लीजिएगा कि आपको एक जगह चाहिए कि हर जगह चाहिए। मैंने अपने कई फेसबुक पोस्ट वगैरह पे भी लिखा है कि अगर दांपत्य जीवन को चलाना है तो गुलामी पकड़ लीजिए। कई लोगों ने अपोज किया कि गुलामी शब्द ठीक नहीं है, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, एकदम गुलामी करनी है, चल जाएगा रिश्ता। हाँ, एक कर ले बस चल जाएगा, दोनों कर ले तो राम राज्य आ जाएगा। तो यह एक अलग तरह का विषय हो गया और हम अलग तरह के विषय पर आए हैं। इसके दोनों सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करना होगा आप लोगों को, हमारे साथ करना होगा, समझ कर करना होगा।
दोनों सिद्धांत अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह वर्जित होता है। ग्रहों की चर्चा करेंगे, लेकिन रिश्तों को सुलझाने की जिम्मेदारी भी परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें सौंपी है, तो मैं उस चीज पर भी, उस विषय पर भी प्रकाश डालूंगा जरूर, उस चीज को भी मैं समझाऊंगा जरूर। अगर एक पक्ष देखेंगे तो बाकी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा, ऐसे लोग कई बार गाढ़े वक्त में रोते हैं, ऐसे लोग जब मुसीबत पड़ती है, जब कंधों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, जब जरूरतें पड़ती हैं, तो रोते हैं, क्योंकि आपके पास बस एक रिश्ता है और वो है पत्नी का या पति का। कुंडली के योग पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन दो जानकारियां दे देते हैं। 6 दिसंबर तक अभी हम गाजियाबाद में हैं, 7-8-9 तारीख को आप इंदौर में हमसे मिल सकते हैं, 14-15-16 तारीख को दिसंबर महीने की चंडीगढ़ में, और 27 दिसंबर से, जी हां 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगातार टांडा अंबेडकर नगर मुलाकात कर सकते हैं। आप दिए गए किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज या कॉल, कॉल थोड़ा सा कम किया करिए, व्हाट्सएप ज्यादा किया करिए, जिससे बाकी समय बच जाए, तो सारी जानकारियां आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिल जाएंगी। आइए अब हम उन ग्रहों की चर्चा कर देते हैं जिन ग्रहों के कारण एक पुरुष, एक तथाकथित मर्द, मर्द शब्द बहादुर का विशेषण है, सिनोनिम है मर्द का, हम मर्द हैं, मतलब यहां पर व्यंजना शब्द शक्ति लगती है, हिंदी को अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे। तो कौन से ग्रह है? सबसे पहली चीज, यदि किसी पुरुष के जन्मांक में सप्तम भाव में, सेवेंथ हाउस में कोई भी सौम्य ग्रह, स्पेशली चंद्रमा, शुक्र अथवा बुध अथवा ये तीनों अथवा इनमें से कोई भी दो बैठा हो, तो ऐसा पुरुष निश्चित रूप से अपनी धर्मपत्नी के कब्जे में होता है, मुट्ठी में होता है। अनवरत प्रयासों के उपरांत भी उसके कब्जे से बाहर नहीं निकलता, निकल पाता, और अपने ही बच्चों से भी वो व्यंग बाण पाता है कि आप तो जोरू के गुलाम हैं। कहीं हंसते हुए तो कहीं त्योरियां चढ़ाते हुए, लेकिन ये मिलता जरूर है, ये करणों में ये शब्द जाते जरूर है। कोई छाती चौड़ी करके मुंह पे बोल देता है, तो कोई पीठ पीछे बोलता रहता है, बोलता रहता है। अब ये बहुत बड़ा सा एक विषय, अच्छा किया क्या जाए? आप अभी लास्ट में कमेंट करेंगे कि कुछ उपाय बता दीजिए। और जो पत्नियां पकड़ी की पकड़ के बैठी है, वो तो कतई नहीं आज कहेंगी कि उपाय बताइए, कहेंगी चलने दीजिए सब सही चल रहा है। नहीं, देखिए मैं आप लोगों का दोस्त भी हूं, एक ज्योतिषी होने के साथ साथ, एक ज्योतिषी होने के साथ साथ मैं आप लोगों का दोस्त भी हूं, लिहाजा मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि रिश्तों को बलपूर्वक चलाया जाए या रिश्तों को किसी भी तरह से दिमाग से चलाया जाए। रिश्ता सिर्फ दिल से चलता है, और रिश्ता सिर्फ त्याग से चलता है। बस
इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, त्याग और दिल के अलावा तीसरा शब्द अगर रिश्ते में कुछ भी आया, त्याग और हृदय के अलावा तीसरा शब्द अगर रिश्ते में कुछ भी आया, कोई भी तीसरा शब्द आ गया, कोई भी एक भी शब्द अगर आ गया तो नहीं चलेगा, चैलेंज है, गारंटी है, नहीं चल सकता। और जो विषय आज का हमारा है, जोरू का गुलाम, पत्नी के वश में रहने वाला पति। माताएं रोती बिलखती पड़ती रहती हैं कि मेरी बहू ने मेरे पति को कब्जे में कर लिया है, कुछ करिए, छुड़ा लीजिए, कुछ खिला दिया है, उसकी सास ने, मेरी समधन ने कुछ खिला दिया है, कुछ बांध दिया है। होता है, मैं इनकार नहीं करूंगा, होता है। लेकिन मूल है आपके बच्चे अर्थात उस लड़के के जन्मांक में योगी ऐसा था कि इस प्रकार की पत्नी या इस प्रकार का ससुराल मिलेगा। अब आप उसको काट नहीं सकती हैं, उसके साथ जीने की आदत डालिए, त्याग करिए, अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए, रिश्ता चल जाएगा। अब फिर यहां पर आपके दिमाग में यह भी आएगा कि अकेले कैसे कोई करे, तो क्या कर सकते हैं, सर फोड़ दीजिए, आप बताइए ना रास्ता कैसे अपने बच्चे के लिए आप लोग करते हैं। बेटा गाली दे देता है, बेटे हाथ भी उठा देते हैं, चोरी कर लेता है, एटीएम लेके भाग जाता है, लेकिन आप उस समय त्याग करती हैं, त्याग करते हैं और माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, हृदय से सोचते हैं और रिश्ता चल जाता है। बच्चे का फिर अच्छा भी वक्त आता है और सुधार लाता है बच्चा, तो तमाम चीजें हैं। तो आप आज जाना आपने कि कुंडली का योग क्या होता है, जोरू का गुलाम, पत्नी के वश में रहने वाला, देख लीजिए। और आज लड़कियां वो खुश हो जाएं जो शादी की तैयारी कर रही हैं और जो चाहते हैं कि बस। अच्छा, ताज्जुब देखिए, एक और इसका हम पक्ष बता दे रहे हैं, वही स्त्री, अगला पक्ष देखिए, आप लोग को आनंद आ जाएगा, अभी उछल के ताली बजाएंगे। वही स्त्री जब खुद मां बनती है और उसकी बहू आकर के उसके बेटे को पकड़ती है, तब वो बिलबिलाती है, तब उसको दुखता है, तब उसको सालता है। ये है, ये जो तू लूटी है आन को, तो ही लूटी है आन। आप किसी को लूटेंगे तो कोई आपको भी लूटेगा, ये तो शाश्वत नियम प्रकृति का चल ही रहा। खूब सारे आप लोगों ने इस पर शॉर्ट मूवीज देखी है, मूवीज देखी, तमाम ऐसे आप लोगों के सामने किस्से आए। बहुत कॉमन सा विषय है, बहुत कॉमन सा विषय है कि आप ब्याह के आई तो चाह रही कि पति को लेकर के शहर में अकेले रहे, और जब बहू अपने पति को अर्थात आपके पुत्र को लेकर जाना चाहती है तो आपको दुखने लगता है। काहे भैया, सूत्रवा बदल गया क्या, सूत्रवा बदल गया है? अरे हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे अपनी बहू से कि जो है तुम यहां रहो, हमारे साथ रहो, बिल्कुल तुम ब्याह के आई हो, जाओ, तो ऐसे 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 बतियाएंगी। और जहिया बहू आई, उसके बाद से फिर जैसे लगता है कि बस गया लड़का। अरे ये क्या है यार, एक लड़का को तुमने भी तो लिया है, तो तुम्हारा लड़का भी जाएगा, तो उसमें, ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें काहे के लिए हायतौबा मचाना, इसके लिए काहे कपार फोड़ना अपना या किसी और का कपार फोड़ना, जाने दो, खुश रहो, स्वावलंबी बनो, मजबूत बनो। ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, ये प्रकृति व्यवस्थाएं देती है, इसमें हायतौबा ना मचाओ, ना कपार फोड़ो, ना फड़वाओ, चलने दो जैसे चलता है, निभाना है, अकेले एक निभाता है। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, सामने वाले की जिम्मेदारी कैसे आप निभाइए, सामने वाला निभाना चाहेगा निभाएगा, नहीं तो उसकी मर्जी, नहीं वो भी निभाए तो निभवा लो, निभवा लो, जोर अपने पे है,
बहुत सिंपल सा तर्क है, यही जीवन का सिद्धांत है, यही जीवन का प्रिंसिपल है, यही जीवन का फलसफा है। तो परमात्मा, अब इसमें मैं क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं कि आप लोगों के जीवन में मतलब आप गुलामी ही पाओ, ऐसा तो मैं कहूंगा नहीं। रिश्तों को समझें आप लोग, संतुलन बना के रखें। हर रिश्ते का अपना अपना महत्व होता है, अपने अपने स्थान पर होता है। रिश्ते के लिए हमेशा दिल से, हृदय से निर्णय लिया करिए, दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो पछताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार, श्री राधे।